हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मोहिंदर कुमार। एक बार फिर मैं आपका आपके यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव ट्यूटोरियल्स बाय मोहिंदर सर में स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही बेसिक, कहने को तो बहुत बेसिक है लेकिन अगर हम उसे ध्यान से समझें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस टॉपिक जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ नाउन से डिस्कस करने वाला हूं। अब ये कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। नाउन, किसी से भी पूछो कि व्हाट इज नाउन, हर कोई ये फटाफट बोलता है नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस पर्सन और थिंग इंग्लिश में, और हिंदी में संज्ञा कह देते हैं, कहते हैं किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशन सबको पता है लेकिन जब हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बता नहीं पाते कि नाउन क्या है। जैसे हमने किसी स्टूडेंट से अगर हम ये पूछते हैं, अब उसको ये तो पता है नाउन क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है, द नेम ऑफ ए प्लेस पर्सन और थिंग। लेकिन जब हम उसे पूछते हैं कि हमारा नोज नाउन है या नहीं है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। उसे ये पूछते हैं हमारे हेयर नाउन है या नहीं है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हम पूछते हैं कि हमारा जो व्हाइट बोर्ड है ये नाउन है या नहीं है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि डेफिनेशन को क्रैम करने से कभी भी कोई चीज नहीं आती, हमें कंसेप्ट समझने पड़ते हैं, वो कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो भाई, नोज भी नाउन है, वॉल भी नाउन है और हमारा व्हाइट बोर्ड भी नाउन है। नोज एक थिंग है, व्हाइट बोर्ड भी एक थिंग है, वॉल भी एक थिंग है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक नाउन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है जो किसी बुक में नहीं मिलती। वो क्या डेफिनेशन है, ओपन योर आइज एंड वॉट एवर यू सी इज नाउन। कि अपनी आंखें खोलो, इस दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सब कुछ नाउन है। चाहे वो पेपर हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो बेड हो, चाहे वो डॉग हो, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नाउन। तो आपको आज के बाद ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन याद रखनी है, एनीथिंग दैट वी आर एबल टू सी इज नाउन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। फाइव टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, सबको पता है फाइव टाइप्स ऑफ नाउन कौन से होते हैं। प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज abstract noun and the fifth is material noun। अब ये सबको पता है लेकिन deep understanding नहीं है, concept clarity नहीं है। proper noun को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, common noun को हम क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, collective noun को क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, सॉरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं भाववाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं धातुवाचक या द्रववाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, हम किसी से पूछें एकदम जवाब देते हैं किसी व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति स्थान या चीज को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो हम कहते हैं द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग, किसी विशेष, पर्टिकुलर मीन्स विशेष, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि विशेष क्या है, और जब हम उसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं हर किसी से, अच्छा जी आप प्रॉपर नाउन हो, किसी बच्चे से पूछा प्रॉपर नाउन क्या, डेफिनेशन बता देगा। जब हम पूछते हैं कि आप प्रॉपर नाउन हो, बच्चा नहीं बता पाता, वो कहता मैं तो नहीं हूं जी। फिर पूछते हैं जी प्रॉपर नाउन कौन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल किला, द रेड फोर्ट, कहते ये प्रॉपर नाउन है। भाई क्यों है, कहते जी विशेष है जी, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है, हम कोई विशेष थोड़ी है इसलिए हम प्रॉपर नाउन नहीं है। दिस इज रॉन्ग, क्रैमिंग है, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है। स्पेशल, विशेष का क्या मीनिंग होता है, इंग्लिश में उसको पर्टिकुलर कहते हैं, वो पर्टिकुलर का क्या मीनिंग होता है,
पर्टिकुलर का मतलब होता है दुनिया में केवल एक। कोई भी चीज जो दुनिया में एक है वो हमारी किस में आती है? प्रॉपर नाउन में आती है। अब व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति का नाम राम है तो वो क्या है जी? पर्टिकुलर है। वो दुनिया में एक विशेष प्राणी है तो वो भी प्रॉपर नाउन है। और यही कारण है कि आप, मैं और इस दुनिया के सारे व्यक्ति जब अपना नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या लिखते हैं? कैपिटल। अगर किसी का नाम राम है तो उस राम को आर कैपिटल लिखेगा, श्याम है तो एस कैपिटल लिखेगा। क्यों लिखेगा? क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होते हैं उनका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। तो आप हुए ना प्रॉपर नाउन, लेकिन आज तक आप अपने आप को प्रॉपर नाउन नहीं समझते थे। अब कंसेप्ट ये आता है, कुछ बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं जी, सर राम मेरा नाम है, राम तो इस दुनिया में बहुत हैं, तो मैं तो प्रॉपर नहीं रहा, मैं तो विशेष नहीं रहा। फिर इस ध्यान, इस बात को समझिए, नाम सेम है लेकिन व्यक्तित्व अलग अलग है ना। आपकी शक्ल अलग है, दूसरे व्यक्ति जिसका नाम राम है उसकी शक्ल अलग होगी, तो वो भी पर्टिकुलर, आप भी पर्टिकुलर, दोनों प्रॉपर नाउन। अब कुछ बच्चे और गहराई में चले जाते हैं, कहते हैं सर कई बार तो जुड़वा होते हैं जी, शक्ल सेम होती है, रंग बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, तो क्या वो भी प्रॉपर नाउन रहेंगे? बिल्कुल वो भी प्रॉपर नाउन है। अगर इस व्यक्ति, इस दुनिया में अगर दो व्यक्ति बिल्कुल सेम टू सेम हैं तो वो भी प्रॉपर नाउन है। क्यों? शक्ल सेम होने से कुछ नहीं होता, उनकी हैबिट्स अलग होंगी, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग होंगी। और इस दुनिया में भगवान ने हर व्यक्ति को स्पेशल बनाया है, इसलिए किसी भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति क्या होता है? पर्टिकुलर होता है, हर व्यक्ति प्रॉपर नाउन होता है। तो ये तो बात थी हमारे प्रॉपर नाउन की, इस कंसेप्ट को आप समझिए। दूसरे अगर हम चलें कॉमन नाउन की तरफ, जिसे हम जातिवाचक संख्या कहते हैं। अब जातिवाचक क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है? बिल्कुल एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर मैं एक्सप्लेन करूं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अपनी क्लास को दर्शाती है, क्लास मींस अपनी जाति को दर्शाती है। जैसे इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखता हूं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स ए क्लास, कोई भी चीज जो किसको दर्शाती है? एक जाति को दर्शाती है, अपनी संपूर्ण जाति को दर्शाती है, वो कॉमन नाउन होती है। कैसे? जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, क्योंकि ये अपनी जाति को दर्शा रहा है। इस जैसी कोई भी चीज होगी उसको हम क्या कहेंगे? मार्कर ही कहेंगे। इसी प्रकार फैन, फैन क्या होता है? हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि उस जैसी कोई भी चीज होगी उसको हम फैन ही कहेंगे। सिमिलरली बेड, सिमिलरली ग्लास, सिमिलरली टेबल, सिमिलरली शीप, सिमिलरली डॉग, उस जैसे जिस चीज है उसको डॉगी कहेंगे। तो दिस इज कॉमन नाउन, कि कोई भी चीज जो अपनी जाति का बोध करवाता है उसके साथ उसको क्या कहते हैं हम? कॉमन नाउन और जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं हमारे तीसरे कंसेप्ट की तरफ, कलेक्टिव नाउन की तरफ। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? हम बड़े सिंपल शब्दों में कह तो देते हैं कि समूहवाचक संज्ञा, बट समूहवाचक संज्ञा का मीनिंग क्या होता है? बच्चे क्या कहते हैं? व्यक्ति और वस्तुओं का एक समूह, समूहवाचक संज्ञा। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पर्सन, नो डाउट यहां तक आप ठीक हो, बट यहां इंपॉर्टेंट है जो मैं बट लिखने वाला हूं, बट कंसीडर्ड एज ए सिंगल यूनिट, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तब वो कॉमन नाउन रहेगा, सॉरी कलेक्टिव नाउन रहेगा।
मीन्स व्यक्तियों और वस्तुओं का एक समूह, लेकिन जिसको माना क्या जाए भाई, एक माना जाए, सिंगुलर काउंट हो। कोई भी व्यक्ति और वस्तुओं का एक समूह, जब उसे हम सिंगुलर काउंट करते हैं तभी वो कलेक्टिव नाउन रहता है। जब वो सिंगुलर काउंट नहीं होता तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं रहता। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल में हम लेते हैं क्लास। क्लास हमारा किसका एग्जाम्पल है? कलेक्टिव नाउन का, क्योंकि क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मानते क्या है? एक। सिमिलरली आर्मी, आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मानते क्या है? एक। अनदर एग्जाम्पल इज कमेटी। अब कमेटी क्या है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मानते क्या है? एक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्राउड है, मोब है, क्लियर। फ्लीट है, फ्लीट क्या होता है? ग्रुप ऑफ शीप्स। सिमिलरली और बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास कलेक्टिव नाउन के। तो आपको ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? व्यक्ति और वस्तुओं का एक समूह जिसे माना क्या जाए? एक माना जाए, सिंगुलर इसे काउंट करते हैं। चलते हैं हम फोर्थ की तरफ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब किसी से पूछे भाववाचक संज्ञा क्या होता है, कहते जो भी चीज जो भाव को बताती है, हमारी फीलिंग्स को बताती है, वो भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, फिर उससे पूछे जी एयर क्या होती है, हवा क्या होती है, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कहते जी हवा क्या बताएं, अब हमारी एयर भी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आप बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिए, क्या? एनीथिंग That can't be seen and touched but can only be felt. Means कोई भी चीज जिसे हम ना देख सकें ना छू सकें, केवल क्या कर सकें? महसूस कर सकें, वो हमारी क्या होती है? Abstract noun होती है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी चीज जिसे ना हम देख सकें ना हम छू सकें, बट कैन ओनली बी फेल्ट, सिर्फ उसे महसूस कर सके, वो हमारी क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, महसूस करते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ट्रुथ, सत्य, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। और एग्जाम्पल हम लेते हैं लाई, झूठ, न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। काइंडनेस, काइंडनेस, दयालुता, न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम ना देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, वो हमारी क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। अब यहां पर एक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आपको चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताइए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं। मैंने आपको वर्ड दे दिया एक रिफ्लेक्ट, दूसरा दे दिया रिफ्लेक्टेड, तीसरा दे दिया मैंने आपको रिफ्लेक्टिव, और फोर्थ मैंने आपको दे दिया रिफ्लेक्शन। चार ऑप्शन आ गए हमारे पास और कहेंगे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें फाइंड आउट करके बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी है इसमें ढूंढना। आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, क्या ट्रिक है? अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड किससे एंड हो, शन से, अटी से, मेंट से, नेस से, एंस से, एंस से, अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड इनमें से किसी के साथ भी एंड होता है, चाहे वो शन, अटी, मेंट, नेस, एंस, इंस, वो सारे क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो आप देखिए इन चार में से कौन सा वर्ड एंड हो रहा है, ये, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलरली अबिलिटी, जजमेंट, काइंडनेस, अटेंडेंस, प्रेजेंस, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट
नाउन होंगे। एक हम और इसमें ऐड कर देते हैं, वो होता है हुड। ये भी अगर आपको दिया हो तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, चाइल्डहुड, मैनहुड। तो ये बहुत, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चलते हैं हम अपने लास्ट फिफ्थ टाइप की तरफ, जिसे हम कहते हैं मटीरियल नाउन, और हिंदी में कहते हैं धातुवाचक या द्रववाचक संज्ञा। तो किसी से पूछा जाता है जी मटीरियल नाउन क्या है जी, कहते हैं जी सारे धातु सारे द्रव वो हमारे मटीरियल नाउन हो गए। दिस इज नॉट द करेक्ट, फिर कंफ्यूज बड़े हो जाते हैं। तो आपको मैं आप बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन देने वाला, मटीरियल नाउन क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, क्या, एनीथिंग दैट इज इन क्वांटिटी। कोई भी चीज जो किस में होगी भाई, क्वांटिटी में होगी, मात्रा में होगी, वो हमारी मटीरियल नाउन रहेगी। अब मात्रा कैसे पहचानेंगे, मात्रा होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो वो चीज क्या है भाई, मेजर्ड, माप के, या वेट, तुल के आए। दूसरी वो चीज क्या होनी चाहिए, अनकाउंटेबल होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसी चीज जो अनकाउंटेबल है, जिसे गिना ना जा सके, जो तुल के और माप कर आती है, वो हमारी क्या होगी, मटेरियल नाउन होगी। और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे शुगर तुल के आती है, एक किलो दो किलो, उसको गिना नहीं जा सकते। सिमिलरली मिल्क, एक लीटर दो लीटर, गोल्ड, जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, वो हमारे क्या आते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं और मेजर होके आते हैं। सिमिलरली हमारी डेली लाइफ की बहुत सारी चीजें, जैसे बटर, घी, चीज एंड पल्सेस, साल्ट, नमक, टर्मरिक, हल्दी, फ्लोर, आटा, वाटर, डीजल, पेट्रोल, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी हमारी क्या होंगी, मटेरियल नाउन होगी। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, और मैंने बहुत कोशिश की है चीजों को बड़ी सिंपल वे में प्रेजेंट करने की और कंसेप्ट क्लियर करने की। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमें बहुत सारी नई चीजों का पता चला है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सो दैट दे मे बी बेनिफिटेड। थैंक्स।